राम राम सभी को और आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो भगवान श्री राम पर बना है, जो उनका भव्य मंदिर बना है अयोध्या में। और आज मैं इतनी हिंदी में बात कर रहा हूँ कि आप मतलब भूल जाओगे कि आपने इतनी अच्छी हिंदी कहीं सुनी होगी, क्योंकि आज मैं ऐसे हिंदी में कुछ वाक्य संबोधित करूंगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितनी हिंदी आती है, क्योंकि मैंने स्कूल में बहुत मार खाई अपने हिंदी की टीचर से, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हिंदी के जो कुछ लड़के नहीं होते जो हिंदी के पीरियड में इंग्लिश बोलते और इंग्लिश के पीरियड में हिंदी बोलते हैं, तो मैं कुछ टाइप का था। तो मैं अपनी जो लाइफ है वो थोड़ा साइड में करता हूँ और आज के मंदिर के बारे में बात करता हूँ। आज का मंदिर देख के तो भाई मजा आ गया, मतलब ऐसा लगा कि भगवान श्री राम खुद आए टीवी पर सबको दर्शन देने। और देख के दिल खुश हो गया कि हर घर पे कुछ ना कुछ हो रहा था, कोई झंडा लगा रहा था, कोई दीपक लगा रहा था, जिसके बल पे जो हो रहा था वो कर रहा था। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग इस लोग के मतलब इस मंदिर के सपोर्ट में नहीं थे। अब भाई सबका नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कुछ कुछ लोग मुस्लिम लोग का भी दिखा रहे थे कि वो झंडा बेच रहा था भगवान श्री राम का। तो भगवान श्री राम की वजह से सबको फायदा हुआ, ये देख के बिल्डअप दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो आज के मंदिर के उद्घाटन में कुछ ऐसी बातें निखर कर सामने आई कि जिससे दिल खुश हो गया। लोगों ने मतलब जात पात बुला के, जो मतलब हिंदुओं के बारे में कहते कि ये जात पे बिखरे हुए हैं, इनकी ये जात है वो जात है, आपस में लड़ते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिनके बल में जो भी हुआ मतलब सब निकल गया है सामने, कोई ये नहीं कि कोई ये जात का है तो वो हम सपोर्ट नहीं कर रहे उस जात का है, सारे हिंदू निकल गया और सारे मतलब सारे के सारे हिंदुओं ने सपोर्ट करा इस बात को, जिसको देख के दिल खुश हुआ। और कुछ लोग ये कहते हैं मंदिर के उद्घाटन में कि ये मोदी अपना मतलब मोदी जी अपना वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कमल का फूल लगाकर और ये सब कर रहे हैं। तो भाई अपने को क्या लेना देना, भाई अपने को मंदिर से मतलब था, मंदिर बन गया, बात खत्म। बात तो सही है। अब जब बात है इलेक्शन की, तो आप सबको पता है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो कांग्रेस का ये कहना था कि ये मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वो इस टाइम पे रखा गया जिस टाइम इलेक्शन काफी नजदीक थे। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कांग्रेस से, क्योंकि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे किसी पार्टी ने पैसा नहीं दिया है भाई। तो जो आज की न्यूज चैनल में भी कई सारे न्यूज चैनल में चल रहा था, एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे लोग, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई मैं उनका सेवकों को मतलब इस वीडियो के माध्यम से नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान दे दी यार मतलब राम मंदिर के लिए। आप सोच सकते हैं कि आपका कोई दोस्त भी हो इतना करीबी, या कोई भी आपके फैमिली मेंबर हो और वो आपसे अगर आपकी जान मांगे तो भी आप मतलब नहीं दे सकते यार, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है जान देना। और उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने राम मंदिर के लिए जान दे दी यार, मतलब उनको भी डर लगा होगा, उनको भी वो भी सोच रहे होंगे, अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होंगे, फिर भी उन्होंने मतलब ये उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम जाएंगे मंदिर बनाने, भले हमारी जान चली जाए, कई लोगों की जान भी चली गई यार, फिर भी उन्होंने राम मंदिर का मतलब बनाना नहीं छोड़ा। तो आज वो जब ऊपर से देख रहे होंगे ये, तो उनके लिए कितना मतलब उस चीज को मतलब एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमें उन कार सेवकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपनी जान दी। अब बात करते हैं अपने वीडियो के रियल मुद्दे पर कि इस राम मंदिर के इनॉग्रेशन से किस पार्टी को फायदा होगा, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या कांग्रेस को इससे फायदा होगा। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और ये जानते हैं कि जब मंदिर बन रहा था तब किस पार्टी ने मतलब सपोर्ट करा है इस मंदिर के बनने के लिए, किस पार्टी ने अपोज करा। तो जैसा आप सबको जानते हैं कि जब राम मंदिर बन रहा था, तो मतलब ये तो मेरे पैदा होने से पहले की बात है, जब बाबरी मस्जिद का ये पूरा टूटी थी ये जो हुआ था, तो उसके बाद जब मैं थोड़ा स्कूल में आया था, तो मैं थोड़ा भाई अब मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा इस पॉइंट पे, क्योंकि भाई मैं थोड़ा इन सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। कुछ लड़के होते हैं मतलब जो स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब नहीं रहता, पढ़ाई से मतलब रहता है ज्यादा, तो मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था, मेरे इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट लगता था कि भाई क्या चल रहा है, मतलब मैटर क्या चल रहा है, भाई इधर ये करना है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मन लगता था मेरा, कि मतलब लड़ाई हो रही है तो अपने मतलब अपनी बात रखना, मतलब इन सब चीजों में मतलब नहीं कि दो चार लोंडे बैठे हों और मतलब आप मतलब बात चल रही हो तो आप अपना मतलब थोड़ा चीज बताओ तो आपको थोड़ा भोगाल हो जाता है वहां पर कि भाई वो इसको तो भाई गुरु सब आता है, तो मतलब मैं थोड़ा उस टाइप का था। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब स्कूल में था तब मतलब लोग यही कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर डिबेट चल रही है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है, मतलब और जैसा कि इंडिया का मतलब कोर्ट भी है भाई, अगर मुझसे भी पर्सनली पूछा जाए तो उस टाइम का मतलब माहौल ऐसा था कि सही में नहीं लगता था कि राम मंदिर कभी बन पाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि भाई ये चुनावी मुद्दा है, बस इसको लोग मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बेचारे हम जैसे वेट कर रहे हैं
मंदिर का उनका सपना कभी नहीं पूरा होगा, लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने मतलब ये फैसला लाया। अब भाई यहाँ पर बीजेपी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उनके कई सारे मंत्री इसमें इन्वॉल्व थे, कई सारे नेता इन्वॉल्व थे, आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे मंदिर बनाने में। और भाई अगर ये मंदिर बनना है तो भाई किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, जैसा कि आप सबने देखा है कि मंदिर बनने से भाई अगर तुम वहां पर कुछ अपना भी काम करे तो कोई तुमसे धर्म पूछ के काम नहीं करवा रहा कि भाई तुम ये इस धर्म के हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते, उस धर्म के हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते। तो भाई मैं कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि जो ये लोग, वैसे किस बात पर आ गए हो यार, बात तो चल रही थी इलेक्शन की, तो भाई मैं इलेक्शन की ये बात पता नहीं इस गाय थोड़ा मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ द वे चला गया मैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इससे फायदा किसको होगा। तो भाई देखा जाए तो फायदा तो भाई जितने भी हिंदू है उनका दिल खुश हो गया इस बात से कि मंदिर बन गया, तो भाई इस चीज का क्रेडिट तो भाई बीजेपी को पूरा पूरा जाएगा कि उन्होंने मंदिर बनाने में जो साथ दिया और इस चीज पे वो खड़े रहे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, पीएम मोदी हो, और जिन्होंने बीजेपी पार्टी भी बनाई उनका भी कहीं ना कहीं मतलब ये पार्टी ओरिजिनेट इसी वजह से हुई थी कि मतलब जो राम मंदिर और जो हिंदुओं के मुद्दे हैं उनको आगे लाना, मतलब किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है हेट्रेड, बट पार्टी का यही मुद्दा था कि हिंदुओं को थोड़ा मतलब जो उनके साथ कई सालों से अन्याय हो रहा है उस चीज को सपोर्ट करना। तो इसका पूरा मतलब इलेक्शन में जो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और कांग्रेस शायद तो उसको भी फायदा मिल सकता था, मतलब फायदा उनके इंसेंस में मिल सकता था अगर वो आते। अगर देखो कांग्रेस भाई मैं तो एक बात कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस अच्छे से काम करती ना भाई, अगर दोनों रिलीजन को अगर सही से लेके चलती तो भाई बीजेपी का कभी आ ही नहीं सकती थी भाई, क्योंकि कांग्रेस के मतलब अगर आप कुछ लोग का ये कहना है और मेरा भी भाई पर्सनल थोड़ा ये था स्टार्टिंग में, मतलब मुझे ये लगता था कि भाई कांग्रेस में थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट में थे थोड़े पढ़े लिखे थे, मतलब अब पढ़े लिखे इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी वाले गवार हैं, बट कांग्रेस के जो मतलब पहले के नेता थे अगर सोनिया गांधी को हटा दिया जाए, जो उनके एक्चुअल नेता थे उनमें मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, अगर वो मतलब चाहते तो देश को मतलब कहते हैं ना कि और आगे ले जाते, जैसे कि मनमोहन सिंह का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मतलब जब वो थे गवर्नमेंट में तब भाई मैं भी उनको ट्रोल करता था कि भाई बोलते नहीं ये नहीं करते, लेकिन जब वो चले गए तब मुझे उनकी अहमियत पता चली कि भाई नहीं यार उनमें बहुत नॉलेज थी, और मतलब जब कहते हैं ना कि जब आदमी जब होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती जब चला जाता है, उनके टाइम पे डॉलर की मतलब वैल्यू कहते हैं कि मतलब एक डॉलर 33 रुपीज पे था जो अब 85 है, तो भाई बंदे ने कुछ ना कुछ तो करा होगा भाई, तभी तो वो मतलब डॉलर की मतलब वैल्यू जो है यहां तक ले आया। तो कांग्रेस के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मतलब अब राहुल गांधी को तो भाई रिजाइन दे देना चाहिए भाई, देखो नथिंग अगेंस्ट बट आपको रिजाइन देना पड़ेगा ताकि दोनों पार्टी में थोड़ा कंपटीशन हो यार, बिल्कुल बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं दोनों पार्टी में देखा जाए तो, मतलब बीजेपी कह सकते कि भाई जो मतलब मेरे कॉलेज की मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे और कॉलेज टॉपर है भाई, मेरी 6 में से मतलब आप समझ सकते हैं मैंने एक बीटेक कराया, तो एक साल में आप 5 बैक अगर लाओ तो आपकी मतलब ईयर बैक लग जाती है, मतलब जैसे मैंने बीटेक करा उसमें बता रहा हूं मैं कि 5, तो भाई मेरे हर साल 4 बैक आती थी, हर साल 4 बैक और एक बैक से ही मैं बचता था, तो मतलब यही बात होगी कि मेरी हालत कांग्रेस की तरह थी कॉलेज में, और जो टॉपर थे मतलब मेरे से भी बदतर हालत है कांग्रेस की इस टाइम देखा जाए तो, उनके तो ईयर बैक भी ईयर बैक लग रही है, और जो मतलब टॉपर है बीजेपी तो मतलब वही है जो भाई एक रात पढ़ते थे और एग्जाम देके आते तो कहते भाई मैंने तो कुछ नहीं करा लेकिन टॉप कर लेते, तो भाई बीजेपी की वही हालत चल रही है इस टाइम कि भाई कुछ भी नहीं करते हैं तो भी वो मतलब इलेक्शन जीत जाते हैं। तो इसका पूरा पूरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन में भाई बीजेपी को इसका बहुत फायदा मिलेगा और इसमें अगर कांग्रेस को भी मिल सकता तो थोड़ा दिमाग लगाते और भाई थोड़ा सीनियर लीडरशिप इनको चेंज करने पड़ेंगे यार, नहीं तो फिर ऐसे नहीं चल पाएगा भाई, अगर ऐसे वो रहेगा तो भाई आगे ये लोग ये कहेंगे भाई इसको क्यों वोट देंगे यार, ये तो भाई अपनी अपनी चलाता है भाई। भाई देखो जो भी बात है यार कि बीजेपी में मतलब कि मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप 5 से 10 साल पहले जाएं, मतलब 15 साल 20 साल पहले जाएं, तो मतलब हर टाइम पे लीडरों की मतलब थोड़ी बहुत चलती है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ चाटी बीजेपी में भी जाती है, ऐसा नहीं कि भाई वहां पे बहुत शरीफ लोग रहते हैं बिल्कुल चाटते नहीं है, अभी भी देखो भाई कि खूब हर जगह चटाई चल रही है कि मतलब उसकी चाटेंगे मतलब कि नंबर बनाने के लिए, ब्राउनी पॉइंट बनाने के लिए। तो भाई कांग्रेस में आप देखोगे कि 40-50 मेरे हिसाब से तो जब से कांग्रेस बनी देश आजाद हुआ है तब से मतलब कि अभी तक उनके परिवार के लोग बने हैं, शायद पहले जवाहरलाल नेहरू थे, और मतलब भाई ये भी नहीं कि उनको मतलब अभी के टाइम पे बिल्कुल लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं भाई, चाहे नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, मतलब थोड़े बहुत तो उन्होंने काम करे हैं यार, माना कि बिल्कुल मतलब कि कई सारी चीज़ें उन्होंने गलत करी लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी करी हैं, जैसे कि 1971 वॉर थी जो हम जीते थे जिसमें बांग्लादेश बना था वो इंदिरा गांधी के अंदर लड़ी गई थी, मतलब ये चीज़ का मतलब थोड़ा बहुत नहीं क्रेडिट उनको मिलना चाहिए इस बात का। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि भाई उनको थोड़ा लीडरशिप अब चेंज करनी चाहिए यार, क्योंकि लोगों को दिखता है यार कि भाई
तो मैं मतलब बिल्कुल देखते नहीं हो किसी को, क्योंकि बीजेपी में भी आप देखोगे पहले तो मतलब मैं ज्यादा हिस्ट्री तो भाई पॉलिटिक्स में अभी इतना जानता नहीं हूँ कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। तो भाई मतलब कि पहले कई पहले आरएसएस थी, उसके बाद मतलब अटल बिहारी में मूवी देख के आया था अटल जी वाली, तो उसमें मतलब थोड़ा दिखाया गया था। तो मतलब कि 70s के बाद अटल जी आए, काफी स्ट्रगल करा, मतलब पहले वो पार्टी के वो थे, मतलब एक चेहरा थे, मतलब वो होल सोल लीडर थे वो। उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी बने, उसके बाद फिर मतलब जो मोदी जी हैं और कई सारे नेता थे, मतलब कई सीनियर लीडर थे भाई। कि अभी जो टाइम है अभी तो सिर्फ मोदी जी है हर जगह, लेकिन थोड़े टाइम पहले जाकर 10-15 साल पहले जाएं, मतलब 15 साल नहीं मतलब 2000 के टाइम पर जाएं, तो मतलब कई सारे लीडर्स थे बीजेपी में जिनको मतलब इक्वली रिस्पेक्ट मिलती थी। तो भाई जहां पर इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी वही पार्टी में मतलब कंपटीशन बढ़ेगा ना, कि भाई अगर हम काम करेंगे, हम अगर अच्छे से काम करेंगे तो हम हो सकता है हम पीएम बन जाए। लोगों में उम्मीद तो रहती है भाई कि हम पीएम बन सकते हैं या आगे सीएम वगैरह बन सकते हैं। और कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है भाई, कांग्रेस में है कि भाई अगर तुम मेहनत भी करो, कोई भी मेहनत करे, भाई पीएम राहुल गांधी बनेगा। तो भाई ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। तो काफी लंबा मतलब ये स्ट्रेच हो गया, मतलब आज तक इतना लंबा मैंने कभी बोला नहीं होगा वीडियो पर एक साथ, मतलब काफी सारे कट लगाने पड़ते थे, लेकिन आज मुझे अपने खुद पर भी प्राउड है कि आज भगवान राम की मतलब आशीर्वाद था मेरे ऊपर जो मैं इतना लंबा बोल गया। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने दिल से एक्सप्रेस करा, मैं दिल की बात थी भाई जो मैंने आपके सामने रखी है भाई। चले भाई, चाहे आप मुझे कुछ उल्टा बोले, चाहे मतलब आप मेरी बातों से सहमत हो चाहे ना सहमत हो, मतलब कि मेरा तो यही कहना है कि भाई आप थोड़ा दिमाग लगा के कांग्रेस पे प्रेशर डालिए कि भाई अपना लीडरशिप चेंज करे, ताकि लोगों में थोड़ा कंपटीशन की भावना आए। क्योंकि अगर कंपटीशन होगा भाई तो सबका फायदा होगा देश में, मतलब ये रहेगा ना कि हम काम अच्छा करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। अभी तो क्या भाई, एक पार्टी को वोट मिला वो फिक्स है भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरे को वोट देने का। तो थोड़ा कंपटीशन लाना पड़ेगा, ताकि जो है कि हम थोड़ा कंपटीशन मिलेगा तो हमें भी थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसने में मजा आएगा। जैसे 2014 में हुआ था, तो मतलब मोदी जी आए थे तो काफी कंपटीशन था इलेक्शन में, तो काफी मजा आता था देखने में। वैसे कुछ इस साल भी करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और मैं ऐसे आपके सामने देश का पॉइंट ऑफ व्यू वो लाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी में भी बोल रहा हूँ ताकि जो इनको इंग्लिश नहीं आती, मतलब मेरे जैसे भी कोई, मैंने एक दो चार लाइन इंग्लिश में सीखी है वो यूट्यूब के लिए, तो मतलब हिंदी में भी बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।